शक्कर बेचने के बारे में किराना व्यवसाय का क्या विचार रहता है? ये रहता सर, जैसे हमारी थिंकिंग तो ये थी कि शक्कर और तेल अगर रखा जाए, शक्कर रखा जाए तो उससे ये डेली रूटीन की चीज होती है, इससे और भी हम वस्तुओं को एड ऑन कर सकते हैं। शक्कर के भाव कम रख के हम अन्य वस्तुओं को भी उसके साथ साथ बिक्री बढ़ा सकते हैं उनका, तो शक्कर और तेल पे हमारा जोर रहता है। बताइए अपने बारे में। सर, मेरा नाम विक्की जैन है। मैं उज्जैन जिले का निवासी हूँ। तो मेरी स्कूलिंग शासकीय जीवाजीगंज हायर सेकेंडरी स्कूल उज्जैन से हुई है। मेरा कॉलेज माधव विज्ञान महाविद्यालय उज्जैन से हुआ है। मैंने NCC, ABC तीनों सर्टिफिकेट्स प्राप्त किए हैं और मेरी अभिरुचि सर गायन है। आपने 2012 में पढ़ाई खत्म की? जी सर। तो 2012 से 22 पहले की तो 10 साल का ये हिसाब किताब पूछेंगे, जो वहाँ पूछा जा रहा है वैसे ही कुछ हम भी पूछेंगे। और उन्हीं कालखंड में चूँकि आप छात्र संघ से भी जुड़े रहे तो इसी विद्यालय में कुछ एक बड़ी घटना हो गई थी, क्या है? छात्र संघ के इलेक्शन के समय विद्यार्थी परिषद के क्या हो गया था? सर, माधव कॉलेज में हुआ था, जो प्रोफेसर थे उनके साथ ये हुआ। हाँ, वो थे ही हो गए उसके बाद। हाँ सर, मृत्यु हो गई थी। ब्लड प्रेशर हाई हो गया था सर उनका। उस अटैक क्या घटना थी, उसमें आप शामिल थे? नहीं सर, मैं माधव विज्ञान महाविद्यालय से था और ये माधव कॉलेज आसपास ही है, मैं जानता हूं। हां नहीं सर, उसके बारे में पता नहीं सर। तो सबरवाल प्रोफेसर सर। तो जिला स्तरीय बात पाल किया। मैं सजेस्ट करूंगा ये छात्र संघ वाला आप भेज दिया हूं। भेज दिया। इसमें कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है और कई बार इससे लगता है कि इसीलिए मैंने प्रश्न पूछा, उससे आपको अंदाज हो जाना चाहिए कि पीपल विल नोटिस इट और उसका लाभ कितना होगा नहीं पता, लेकिन अगर बाद में कुछ वो घटना सबरवाल साहब की सबको याद आ जाएगी। तो ठीक है, अभिरुचि में गायन है, क्या गाना गाते हैं? सर मैं नए पुराने दोनों सुगम संगीत गाता हूँ। सुगम संगीत और कितने प्रकार के संगीत होते हैं? सर तीन प्रकार के संगीत होते हैं, शास्त्रीय संगीत होता है, सुगम संगीत होता है और जो भक्ति संगीत होता है वो सुगम संगीत का हिस्सा है। लोकगीत, लोक तीसरा लोकगीत होता है। आप सुगम संगीत में क्या भजन गाते हैं? सर सुगम संगीत में कुछ ठुमरी भी के भी लय हैं और जो नए गाने सर अभी बॉलीवुड के चल रहे हैं ये गाने पसंद करता हूँ। जैसे सर पसंदीदा गाना? सर दो बोल सुना सकता हूँ। नहीं बोलने को नहीं बोला। एक सर अभी मुस्कुराने की वजह तो एक अरिजीत सिंह का सॉन्ग था सर, वो काफी। इस गाने को किसने लिखा? सर राइटर पता नहीं सर। समझ में आया किस तरह का प्रश्न होगा? आप गाने के लिए एकदम उत्सुक बैठे हुए हैं, जब तक ना बोले तब तक नहीं। आज सुबह से गाना सुन रहा हूँ मैं, वहां पर भी सुना, पूछा नहीं फिर भी। नहीं नहीं, अगर गाते हैं और अच्छा अपना सुर ले उसको सवाल के रखिए, लेट देम आस्क, आप अपने से नहीं सुनाएंगे। तो प्रश्न ये होगा, अरिजीत सिंह आजकल बहुत आपकी जनरेशन के लोगों के लिए भी सिनेमा का हिस्सा है, तो वो सिनेमा इसका डायरेक्शन किसने दिया? मेरे ख्याल से प्रीतम का डायरेक्शन होगा। अरिजीत के बहुत सारे गाने, नहीं मुझे नहीं पता, मैं संगीत का विषय चल रहा हूँ, प्रीतम जी ने ज्यादातर उसके गाने में। ये सब अरिजीत सिंह कहाँ के रहने वाले हैं? सब पंजाब से हैं। ये ऐसा लग रहा है सिंह है तो और पंजाब का होंगे, हनुमान से बंगाल से है ना, विशुद्ध है, इसीलिए कह रहा हूँ जानकारी पूरी रखे होनी चाहिए। हनुमान से नहीं, अगर या तो पक्का हो कि पंजाब से है तो आप पंजाब से बोलिए, इसीलिए मैंने पूछा था। सर आप नाम आपका विक्की जैन है ना, क्या अर्थ होता है विक्की का? विक्की सर अंग्रेजी भाषा के विक्टोरिया शब्द से बना है, इसका अर्थ होता है जीत लेना, विजयी हो जाना। विजयी भाव। 2012 से क्या काम किया आपने? सर 2012 के बाद से 2013 से 2016 तक कुछ पारिवारिक कारणों से मैं अपनी दुकान पर रहा, शॉप किराने की शॉप पर। और 2017 से सर फिर मैंने MPBSC की प्रिपरेशन शुरू की, 17 को 18 और 19 ये सर बैक टू बैक तीन मेंस लिखे सर। विक्की शब्द का क्रिकेट से कोई संबंध? नहीं सर, पता नहीं सर। नहीं, हम लोग टेनिस की बॉल से खेलते हैं तो टेनिस की बॉल विक्की कंपनी की आती है। अच्छा सर। जनरली वो एक फेमस कंपनी और एक सिनेमा भी बहुत ही सलाम से सिनेमा का कैरेक्टर था विक्की डोनर। विक्की डोनर, यस विक्की डोनर। आपकी किराने की शॉप है ना? यस। ये जो ऑनलाइन शॉपिंग का ट्रेंड जो चला है, Amazon वगैरह आ गई, Flipkart आ गई, तो इससे आपके बिजनेस के ऊपर कोई इफेक्ट पड़ा है? इससे इफेक्ट पड़ा है सर।
इससे सर जो कम दामों में वस्तुएं हैं सर जल्दी समय पे त्वरित डिलीवरी घर पे हो जाती है, तो सर उससे धंधा कम हुआ है। लेकिन फिर भी सर जो हमारी शॉप है सर अभी तो वर्तमान में है नहीं, 5 साल पहले तक थी, 2015 तक, तो सर उस समय शॉप बंद कर दी। हाँ उसके बाद सर शॉप बंद कर दी थी 2015। शक्कर बेचने के बारे में किराना व्यवसाय का क्या विचार रहता है? ये रहता सर जैसे हमारी थिंकिंग तो ये थी कि शक्कर और तेल अगर रखा जाए, शक्कर रखा जाए तो उससे ये डेली रूटीन की चीज होती है, इससे और भी हम वस्तुओं को एड ऑन कर सकते हैं। शक्कर के भाव कम रख के हम अन्य वस्तुओं को भी उसके साथ साथ बिक्री बढ़ा सकते हैं उनका, तो शक्कर और तेल पे हमारा जोर रहता है। और शक्कर में लाभ नहीं मिलता, सिर्फ बोरी मिलती है। बोरी मिलती है, बोरी मिलती है। सही कह रहे हैं। चलिए संलेखना क्या है थोड़ा बताइए आपके लिए। जैन धर्म की बात कर जैन धर्म में सर संलेखना एक ऐसी विधि है जिसमें यदि किसी व्यक्ति को या किसी श्रावक को ऐसा लगता है कि उसकी मृत्यु निकट है और उसे लगता है कि कोई औषधि काम नहीं आ रही, तो वो स्वभावतः प्राकृतिक रूप से अपने आप को छोड़ देता है, ईश्वर के प्रति समर्पित कर देता है, तो इसी को सर संलेखना कहते हैं। यूथनेशिया क्या है? यूथनेशिया से कैसे अलग है संलेखना? सर यूथनेशिया के जो दो भागे पॉजिटिव और जो यूथनेशिया होती है तो उसमें सर ये यूथनेशिया में इच्छा मृत्यु दिया जाता है, उसमें हो सकता है कि वो स्वभावतः ना हो फिर भी उसका उसको ऐसा लगे कि मेरे शरीर में बहुत पीड़ा है और कुछ हो नहीं सकता है, तो वो कुछ ऐसे लीथल ड्रग ले सकता है जिससे ये हो जाए। लेकिन यहाँ पे कोई लीथल ड्रग नहीं लिया जाता, किसी भी प्रकार का घातक ड्रग नहीं लिया जाता, यहाँ तो स्वभावतः शरीर को छोड़ दिया जाता है। यूथनेशिया के भी दो पार्ट हैं, पैसिव और एक्टिव। तो पैसिव यूथनेशिया को हम संलेखना मान सकते हैं, संलेखना को पैसिव यूथनेशिया मान सकते हैं, क्योंकि पैसिव में भी कोई ड्रग नहीं देते, उसको नेचुरल छोड़ देते हैं, उसके जितने लाइफ सपोर्ट सिस्टम सब हटा देते हैं। उसमें सर एक तो समानता यह है कि दोनों में हम ड्रग नहीं ले रहे हैं, लेकिन सर दूसरा ये असमानता है कि इसमें धार्मिक भावना जुड़ी होती है, एक सेंस जुड़ा होता है कि अगर मैं इस समय संलेखना लेता हूँ और शरीर को छोड़ता हूँ तो मेरा जो मोक्ष का जो मार्ग है या जो मेरा ईश्वर के प्रति जो श्रद्धा है। इंडियन पिनल कोड में सुसाइड को एक अपराध माना गया है, तो ऐसा नहीं लगता ये एक तरीके की आत्महत्या है, खुशी से की गई। अभी एक बहुत बड़ा बड़े आपके मुनि थे, गृहस्थ थे, जिन्होंने किया था उसका पूरा परिवार और पूरा समाज इकट्ठा था, क्योंकि बहुत पवित्र और बहुत बड़ा काम से किया जाता है, लेकिन केस वगैरह दर्ज हुआ, यानी 4-5 साल पुरानी बात है। सर लेकर पूरे भारत के ध्यान में तभी आया, ये तो लोग नहीं जानते थे। सर नाम तो ऐसा याद नहीं आ रहा, लेकिन आपकी घटना से एकदम रिफ्रेश हुआ था माइंड के, ऐसा कुछ हुआ था, ऐसा हुआ था वही तब उसको बताया। तो सर उसमें यह है कि जो आत्महत्या होती है उसमें एक प्रेशर होता है, दबाव होता है, और ये जो संलेखना है ये तो स्वयं संलेखना का नहीं, इन्होंने जो कहा उसमें पैसिव यूथनेशिया का, उसमें आत्महत्या का भाव नहीं है। 10 साल से जिसके ऊपर हाईकोर्ट बॉम्बे हाईकोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, वो नर्स जो 40 साल से अपाहिज पड़ी थी उसको दूसरी नर्सों के परिवार ने त्याग दिया था, दूसरी नर्सों ने उसको जिंदा रखा था, खाना भी तो श्वास भी तो सब नली से हो रहा है, तो इसी जीने से क्या का कोई कंट्रीब्यूशन, जीने का कोई अर्थ होना चाहिए ना, सिर्फ जीने के लिए जीना। सही कह रहे हैं। तो वही चीज पूछ रहा थी, पैसे तो वही है, कहते हैं देख लिया 10 साल से इलाज करा रहे हैं, कोई फल नहीं है, कोई उम्मीद नहीं, डॉक्टर भी नहीं कह रहा कि 1% है, इसके सर 2-3 तत्व और हैं जहाँ तक मेरी समाचार संलेखना में। एक तो ये है कि सर जब मृत्यु निकट होती है, और दूसरा सर ये है कि एक आध्यात्मिक भाव आता है। सर जैसे वहाँ तो विवशता थी मैडम के लिए जो मुंबई में थे कि उनका शरीर सपोर्टिंग सिस्टम काम नहीं कर रहा था, यदि वो जीवित होते तो हो सकता है उनके मन में भाव नहीं आता क्योंकि उनको मेडिकल प्रॉब्लम हुई थी। लेकिन यदि आपको एक मन में आध्यात्मिक भाव आता है कि मुझे इस प्रकार से अपरिग्रह की ओर बढ़ना चाहिए, अब मुझे एक नीति ये भी आ गई कि मुझे आपने नया शब्द अपरिग्रह जोड़ दिया, तो मुझे होगी बात खत्म होगी, समझ गए अपरिग्रह क्या है। सर अपरिग्रह एक अनुव्रत है जिसके तहत सर जो भी धन का संचय है, मन का, मन में विचारों का संचय है, इन सबको रोकने की बात की जाती है, किसी भी चीज का संचय ना करने की बात की जाती है। लेकिन सबसे ज्यादा संचय तो इस देश में जैनियों ने करके रखा है, अपरिग्रह जो करते हैं, जिनका धर्म सिखाता है अपरिग्रह,
सबसे ज्यादा धन उनके पास है, कैसे उसको बेमेल हो गई ना बात। ये सर विरोधाभास तो है, इसके हम वहां तक पहुंच नहीं पाए। अनुव्रत है कि महाव्रत है सर? अगर श्रावक इसको कर रहा है एक सीमा तक तो वो अनुव्रत होता है, और यदि सर मुनि अगर इसको फॉलो कर रहे हैं तो महा अनुव्रत। अनुव्रत आंदोलन किसने चलाया था? अनुव्रत मूवमेंट सर, ये आचार्य तुलसी। तीन ऐसे विषय जिन पर देश में व्यापक परिचर्चा की आवश्यकता है। सर समान सिविल संहिता, एक देश एक चुनाव, वेरी गुड, और सर महिलाओं का जो आरक्षण है उसको लेकर भी सर एक विषय है जिस पे चर्चा की आवश्यकता है। क्या महिलाओं का आरक्षण किस तरह का? सर जो संसद में महिला आरक्षण पे बात चल रही है उस पे भी एक कंसेंसस नहीं बन पा रही है, उसकी भी आवश्यकता है सर। क्यों नहीं बन पा रही? सर इसके लिए विधेयक भी लेके आया गया था पर किन्हीं कारणों से सर वो पास नहीं हो सका। कारण बता रहे सर? कारण बता रहे, सब पार्टी मैनिफेस्टो में लिखती है लेकिन जब इसको लागू करने का समय आता है, जैसे अभी प्रियंका जी ने कहा उत्तर प्रदेश में कि हम 40% कैंडिडेट वो ले रहे हैं, तो विरोधियों ने प्रश्न किया आपकी दो राज्य तो ही है जहाँ पर आपकी सरकार है, पंजाब और राजस्थान, पहले वहाँ लागू कर दीजिए उसके बाद दूसरों को वोट लाइए। तो क्या है ये एटीट्यूडल बिहेवियरल लैग? क्यों हम क्यों नहीं देना चाहते या राजनीतिक के क्यों नहीं देना चाहते? क्या क्या उनका नुकसान होने वाला है? क्योंकि ऐसे भी जो भारत में जहाँ पर भी है महिला आरक्षण, क्योंकि यहीं पर एक नई बात से शब्दावली निकली है, पार्षद जहाँ पर जिस क्षेत्र का महिला हो जाती है तो महिला पार्षद पति एक नया शब्द है, और इसी तरह जो विधायक हो जाते हैं तो विधायक पति भी बन जाते हैं, सरपंच पति। ऐसा क्यों? शिक्षा दीक्षा का भाव वगैरह वो सब बातें नहीं कीजिए जो बनावट। सर ये मुझे लगता है कि ये एटीट्यूडनल प्रॉब्लम है। तो है ही, तो मैंने शब्द प्रश्न ही वही पूछा, एटीट्यूडनल बिहेवियरल लैग ये तो है, क्यों? सर इनको लगता है कि जिस उम्मीदवार को हम खड़ा करें वो जीतना चाहिए, इनको ऐसा लगता है कि समाज में जिन वर्गों का प्रतिनिधित्व है या जो वर्ग जीत सकते हैं उसमें ये महिला को कमी। महिला को तो दे दिया टिकट ना, वो जीते नहीं चुनते, रिजर्वेशन है वो तो इलेक्शन कमीशन तय करता है कि कहाँ से किसको खड़ा करना है। संविधान में जिस तरह से व्याख्या है कि इतने प्रतिशत जो है एससी एसटी ओबीसी उसके तहत वो सीट आरक्षित की जाती है महिला पुरुष, जो आप कह रहे हैं एटीट्यूडल बिहेवियर लैग उसको समझ रहे हैं कैसे ही बोल रहे हैं? नहीं समझ रहा हूं सर। बड़ा शब्द आपने पहले भी प्रयोग किया था जहां डर गए थे सब, अब ये दूसरा शब्द प्रयोग कर दिया है, क्या कहा चाहता है ये? पीछे कोई भावना है ना? Yes. पुरुष समाज का कोई सोच काम कर रहा है? पितृसत्ता सर इस पे बिल्ड होगा। तो ये है क्योंकि हमको लगता है महिला दे आर नॉट गुड एनफ। यस सर। अब इसके ऊपर बहुत चर्चा हो सकती है, आज की तारीख में बहुत प्रश्न हो सकते हैं। थैंक यू, तैयार कीजिए। वन नेशन वन इलेक्शन के दो लाभ और दो नुकसान। पहला लाभ तो ये होगा सर, बार बार चुनाव से देश बच जाएगा, और जो विकास यात्रा बार बार चुनाव जो होते हैं उसका जो खर्चा होता है उससे देश बच जाएगा। और भी अच्छा चलो, और दूसरा सर ये कि विकास जो कई योजनाएं होती है, आचार संहिता लग जाती है, देश में कुछ हो ही नहीं पाता है, सारा साल तो आचार संहिता कहीं आचार संहिता में निकल जाता है। बिल्कुल सर, राइट सर, इसलिए विकास रुकता है। विकास रुकता है, कोई इंपॉर्टेंट निर्णय नहीं है सर। थैंक यू। तो नुकसान ये कि सर कई बार जो राज्य सरकारें होती है या वहां पे कर अगर वो सरकारें गिर जाती है उनके पास बहुमत नहीं हो पाता है तो सर उनको वापस से लाइन पे लाना जो होता है वो एक बड़ी चुनौती होती है, संवैधानिक चुनौती होती है कि एक साथ फिर से चुनाव कैसे करवाएंगे, ये मुझे सर एक लगता है बड़ा नुकसान। क्यों मध्य प्रदेश में भी कोरोना काल में करके निकालती है? ठीक है सर, थोड़ा सा और पड़ेगा। ठीक है।